आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 3 जनवरी 2024 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लक्षद्वीप के कवरत्ती में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। 1150 करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना, पेयजल आपूर्ति और बैटरी चालित सौर ऊर्जा परियोजना शामिल है। कोच्चि और लक्षद्वीप के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर संपर्क दूर दराज के द्वीपों में रह रहे लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा और उन्हें तेज इंटरनेट सेवा उपलब्ध होगी। इससे इंटरनेट गति 100 गुना बढ़ोतरी के साथ 1.7 गीगाबाइट प्रति सेकंड से बढ़कर 200 गीगाबाइट प्रति सेकंड हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच विशेष जांच दल SIT से कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI से यह मामला SIT को दिए जाने की याचिका नामंजूर करते हुए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारडीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि SEBI सही तरीके से इस मामले में जांच कर रही है। अडानी ग्रुप को बड़ी राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह विनियामक कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अलग जांच के लिए आदेश देने का आधार नहीं बन सकती। शीर्ष न्यायालय ने SEBI को 3 महीने में जांच पूरी करने का निर्देश दिया। SEBI ने अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों से जुड़े 24 मामलों में 22 की छानबीन कर ली है। शेष 2 मामलों की जांच के लिए SEBI को 3 महीने का समय दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गहन चिकित्सा इकाई ICU में रखे जाने के लिए अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी किया है। इनके अनुसार अस्पताल गंभीर रूप से बीमार मरीजों को उनके अथवा उनके परिजनों द्वारा मना किए जाने की स्थिति में गहन चिकित्सा इकाई यानी ICU में नहीं भेज सकेंगे। ICU में प्रवेश और वहां से वापस भेजे जाने संबंधी दिशा निर्देशों में आगे स्पष्ट किया गया है कि किसी मरीज को अंगों के काम करना बंद करने और ऑर्गन सपोर्ट की जरूरत पड़ने या स्थिति बिगड़ने की आशंका पर ही ICU में भेजा जाना चाहिए। यह दिशा निर्देश 24 प्रतिष्ठित चिकित्सकों ने तैयार किए हैं, जिनमें दुबई और कनाडा के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात का संयुक्त सैन्य अभ्यास कल राजस्थान के महाजन में शुरू हुआ। डेस्ट साइक्लोन नामक यह अभ्यास 15 जनवरी तक चलेगा। दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियों में 45 कर्मी भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियान चार्टर के अनुसार रेगिस्तान और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में पारंपरिक परिचालनों में आपसी सहयोग बढ़ाना है। इससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच शांति रक्षा अभियानों के दौरान सहयोग समन्वय बढ़ेगा तथा परस्पर विश्वास और मैत्री संबंध मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री रामलला के स्वागत में गाए गए स्वाति मिश्रा के भजन को सोशल मीडिया पोस्ट पर साझा किया है। श्री मोदी ने कहा कि यह भजन मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 3 जनवरी 2024 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद का विवादित बयान सामने आया है। कर्नाटक कांग्रेस के नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा कि राज्य में गोधरा जैसा दंगा हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह अयोध्या जाने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करे। उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिक इवेंट बताया। कांग्रेस नेता ने कहा, यह सरकार की ड्यूटी है कि वह लोगों की जान और माल की सुरक्षा करे। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में आयोजन होने के दौरान कर्नाटक में गोधरा जैसा दंगा हो सकता है। उन्होंने कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार से कहा कि उसे अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि 2002 में गुजरात में भी ऐसे ही एक कार्यक्रम के दौरान कार सेवकों को गोधरा में जिंदा जला दिया गया था। कांग्रेस नेता के इस बयान पर विवाद होना भी तय माना जा रहा है। दरअसल कर्नाटक में पहले ही हिंदू एक्टिविस्ट श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी पर बवाल मचा हुआ है। 60 साल के पुजारी को कर्नाटक पुलिस ने शुक्रवार को हुबली में 1992 में हुए दंगों के मामले में अरेस्ट किया गया। ये दंगे अयोध्या में बाबरी ढांचे के ध्वंस के बाद भड़के थे। इसके चलते राज्य में बवाल मच गया है और भाजपा ने इसे हिंदुओं के उत्पीड़न की कोशिश बताया है। नए साल की शुरुआत में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से खुशखबरी आई है। यहाँ मादा चीता ने 3 शावकों को जन्म दिया है। मादा चीता आशा ने कूनो पार्क में 3 शावकों को जन्म दिया है। तीनों शावक अभी स्वस्थ बताए जा रहे हैं। कूनो नेशनल पार्क में 17 सितंबर 2022 को 8 चीते लाए गए थे। यह सभी चीते नामीबिया से लाए गए थे। मादा चीता आशा उन्हीं में से एक है। अब यहाँ चीतों और शावकों की कुल संख्या 18 हो गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कूनो नेशनल पार्क में जन्मे चीते के तीनों शावकों का एक वीडियो भी शेयर किया है। इसमें तीनों शावक स्वस्थ नजर आ रहे हैं और उन्हें चहलकदमी करते भी देखा जा सकता है। इन नन्हे मेहमानों के इस दुनिया में आने की सूचना केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ही सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है। अपने एक्स पोस्ट पर मंत्री यादव ने लिखा, जंगल में म्याऊं। यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कूनो नेशनल पार्क ने 3 नए सदस्यों का स्वागत किया है। शावकों का जन्म नामीबियाई चीता आशा से हुआ है।
उन्होंने इसे देश में शुरू किए गए चीता प्रोजेक्ट की बड़ी सफलता बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। 7 जनवरी से 10 जनवरी तक चुनाव आयोग राज्यों का दौरा करने वाला है। माना जा रहा है कि आंध्र प्रदेश और दक्षिण के दूसरे राज्यों का दौरा पहले किया जाएगा, उसके बाद दूसरे राज्यों तक जाने की तैयारी है। ये एक औपचारिक प्रक्रिया है जो हर बार लोकसभा चुनाव से पहले की जाती है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 3 जनवरी 2024 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अपने अगली पीढ़ी के भारी संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च करने के लिए SpaceX पर निर्भर रहेगी। यह पहली बार है जब अंतरिक्ष विभाग और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन फाल्कन 9 हेवी लिफ्ट लॉन्चर का उपयोग करेगा। इस भारतीय मिशन के लिए फ्लोरिडा से उड़ान भरी जा सकती है। जानकारों का कहना है कि यह डील इसरो की कमजोर स्थिति को भी उजागर करती है। इसरो के पास अभी भी ऐसे रॉकेट का अभाव है जो बड़े संचार उपग्रहों को लिफ्ट करने में सक्षम हो। इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ का कहना है कि भारत को SpaceX के पास जाना पड़ा क्योंकि समय पर कोई अन्य रॉकेट उपलब्ध नहीं है। भारतीय कुश्ती में जारी संकट में बुधवार को नया मोड़ आया जब सैकड़ों जूनियर पहलवान अपने करियर में एक महत्वपूर्ण साल बर्बाद होने के खिलाफ जंतर मंतर पर जमा हुए और उन्होंने इसके लिए शीर्ष पहलवानों बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को दोषी ठहराया। बसों में भरकर जूनियर पहलवान उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से यहां पहुंचे। इनमें से करीब 300 बागपत के छपरौली के आर्य समाज अखाड़े से थे, जबकि कई नरेला की वीरेंद्र कुश्ती अकादमी से भी थे। सुरक्षा कर्मियों को उन्हें काबू करने में काफी परेशानी हुई। ये पहलवान बजरंग, साक्षी और विनेश के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इन्होंने बैनर पकड़ रखे थे जिस पर तीनों पहलवानों की तस्वीरों के साथ लिखा था, कर दिया देश की कुश्ती को बर्बाद, साक्षी, बजरंग और फोगाट। भारी ठंड के बीच जूनियर पहलवान सुबह 11 बजे जंतर मंतर पहुंचे और 3 घंटे बाद यह चेतावनी देकर निकल गए कि अगर सरकार ने WFI पर लगा प्रतिबंध 10 दिन के भीतर नहीं हटाया तो वे अपने पुरस्कार वापस देने लगेंगे। झारखंड के रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सत्तारूढ़ दलों के विधायकों के साथ बैठक खत्म हो गई है। CM सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा नहीं देने का फैसला लिया है। बुधवार को विधायकों के साथ हुई बैठक में सोरेन ने यह निर्णय लिया। बैठक के बाद कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि मीटिंग में 43 विधायक थे और जो बात सामने आई है वो ये कि आज भी हेमंत सोरेन CM है और आने वाले दिनों में भी वो ही CM रहेंगे। दरअसल ED की ओर से जमीन घोटाला मामले में 7वां समन मिलने के बाद से ही इस बात की चर्चा हो रही थी कि सोरेन इस्तीफा देंगे और अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को CM बनाएंगे। हालांकि सोरेन ने इस्तीफा नहीं दिया। सोरेन ने साल 2019 में मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। विधायकों के साथ बैठक से पहले सोरेन ने कहा था, मेरी पत्नी के विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना BJP की कल्पना है। उन्होंने आगे कहा था, BJP झूठा विमर्श पेश कर रही है कि मैं सत्ता अपनी पत्नी को सौंप दूंगा। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 3 जनवरी 2024 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। हिट एंड रन मामले को लेकर नए कानून का विरोध कर रहे ट्रक ड्राइवर अब काम पर वापस लौटने लगे हैं। ट्रक ड्राइवर्स के संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस AIMTC ने बुधवार 3 जनवरी को कहा कि सख्त कानून के खिलाफ विरोध कर रहे ड्राइवरों के काम पर लौटने से अब 1 या 2 दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। AIMTC के प्रतिनिधियों ने हिट एंड रन मामलों के लिए कड़े प्रावधानों को लेकर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला से मुलाकात की। AIMTC के महासचिव NK गुप्ता ने कहा, हमने हड़ताल को आह्वान नहीं किया था। हड़ताल कर रहे ट्रक ड्राइवर अब काम पर वापस आ रहे हैं। 1 या 2 दिनों में सामान्य परिचालन बहाल हो जाएगा। दिल्ली में चल रही शीतलहर के चलते बुधवार को दिन भर ठंड बनी रही। दोपहर के समय कुछ समय के लिए हल्की धूप निकली, लेकिन इससे सर्द हवाओं पर कोई असर नहीं पड़ा। बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम रहा। बुधवार को अधिकतम तापमान 15.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो मंगलवार को 17.2 दर्ज किया गया था। मौसम विभाग का मानना है कि गुरुवार को भी शीतलहर चलेगी और दिल्ली का अधिकतम तापमान 16 से 17 डिग्री के बीच रहेगा। आगामी 9 जनवरी को कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि दिल्ली में उत्तर पश्चिम दिशा से ठंडी हवाएं आ रही हैं, जिसके चलते शीतलहर चल रही है। बुधवार को सुबह से ही मौसम बेहद ठंडा बना रहा। सुबह लगभग 11:30 बजे के बाद हल्की धूप निकली, लेकिन इसका ठंडी हवाओं पर कोई असर नहीं दिखा। कुछ ही देर बाद यह धूप भी चली गई। दिन भर राजधानी के विभिन्न इलाकों में ठंडी हवाएं चलती रहीं और लोग ठिठुरते नजर आए। दिल्ली में बुधवार को हवा की रफ्तार 4 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली में गुरुवार को भी शीतलहर चलेगी और अगले कुछ दिनों तक ठंड दिल्ली वासियों को परेशान कर सकती है। वहीं देश भर के कई राज्यों में शीतलहर थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में कोहरे की घनी चादर नजर आ रही है। कश्मीर में घने कोहरे की वजह से दृश्यता
विजिबिलिटी कम हो गई है, जिससे कश्मीर के मैदानी इलाकों में यात्रियों और पर्यटकों को काफी परेशानी हो रही है। कश्मीर में बुधवार को तापमान -7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान घाटी में बर्फीली हवाएं भी चली। सूत्रों के मुताबिक 10 जनवरी तक कश्मीर के मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं दिखेगा। कश्मीर में 4 और 5 जनवरी को मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 3 जनवरी 2024 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 4 जनवरी 2024 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। इसके साथ ही साई न्यूज में ज्वलंत विषयों पर लिम्टी की लालटेन रोजाना सुबह 7 बजे देखना न भूलें। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।